सो फाइनली जी हम लोग खिजर भाई के डेरे पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जी खिजर भाई से मुलाकात नहीं हुई, अभी हम आए हैं शाहजेब भाई के पास। तो हमारे सब्सक्राइबर से शाहजेब भाई कुछ हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं, मैं और फाइव पेंडू विलेज टीम और अकमल के अब्बू जी। हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, आप लोग सब लोग तो उसे जानते ही होंगे, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद उनसे टाइम मिला है, तो अभी निकलने लगे हैं हम लोग। तो निकलते हैं उनसे मुलाकात के लिए। तो हमारा सफ़र लेह की तरफ स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और फिर हम यहाँ पे एक बेकरी पे रुके हैं, उनके पास मेहमान जा रहे थे तो हमने सोचा उनके लिए कुछ लेते चलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ उनके लिए मिठाई वगैरह वो पैक करवाई। मिठाई पैक करवाने के बाद हम लोग पहुँचे एक पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवा के, जाहिर सी बात है पेट्रोल के बगैर गाड़ी का जाना नामुमकिन था, पेट्रोल की प्राइसिस को देख के तो बंदा हिल ही जाता है। तो पेट्रोल डलवाने के बाद हमारा सफ़र हो गया दोबारा से स्टार्ट। इस वक्त हम लोग लैया शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी पहले जिनके थ्रू हम लोगों ने मिलना है उनके पास चलते हैं, फिर उनको साथ लेकर चलते हैं खिजर भाई के पास। हाँ जी, तो जवानो कैसा लग रहा है आपको लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खिजर उमर से मुलाकात होगी। खिजर उमर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं लैया शहर के मेन चौक में, इधर से उनका घर बिल्कुल ही करीब है। तो जी दौर की नमाज का टाइम हो गया था, दौर की नमाज पढ़ के और इसके साथ हम लोग जाना है। सो फाइनली जी हम लोग खिजर भाई के डेरे पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देखते हैं कि उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं। काफ़ी मुश्किल से उनका डेरा मिला है हमें, देखते हैं अल्लाह करे उनसे मुलाकात हो जाए। घर ए भी परमानेंट पता कहीं नहीं बैठे ही नहीं बैठे अब वो दादा मिल ले वो आ गया उठा पंबर से पता करो अब वो दादा मिल ले वो मिस्त्री तू ना पिला दिया उन्हें जो उठा पता करो किसको दर्द है आप तो मैं करो हाँ फोन कर के पूछो उन्हें कर पता है पूरे जो बंदे हैं देर लगेगा अच्छा चलें 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 ठीक हो गई और ठीक है खरीदा है चलें जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी शुक्रिया जी मेहरबानी ओके जी सर नंबर ले दो ना कि जी नंबर ले लो तो फिर सर ना रन ना रब्ता करके ना फिर किसी टाइम जी नंबर तो जी खिजर भाई इस टाइम घर में नहीं हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पर गए हुए हैं। हम तो बहुत खुश थे कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब लोग हम लोग चलने लगे हैं वापस। ये है जी वो वाला भट्ठा जहाँ पे वो वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, और मौलवी साहब भी शायद यहीं पे काम करते थे जो खिजर उमर भाई के साथ होते हैं। उनसे मुलाकात तो नहीं, उनके डेरे पे गए हैं। तो जी खिजर भाई से मुलाकात नहीं हुई, अभी हम आए हैं शाहजेब भाई के पास और वो घर मौजूद हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलते हैं। चलो करते हैं शाहजेब भाई से मुलाकात कर, और वो सामने ही घर में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं चल के। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके कुछ और भी दोस्त आए हुए थे, और उन्होंने उनके लिए चाय और जलेबी मंगवाई हुई थी। फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने हमें भी चाय और जलेबी ऑफर की।
तो फिर उनसे थोड़ी देर गपशप होती रही उनके साथ, और उनके दोस्तों के साथ भी हमने गपशप की थोड़ी देर। उन्होंने हमारे चैनल के बारे में पूछा कि कब से स्टार्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि मेहनत जारी रखो, एक ही चीज़ है इसमें कामयाबी की कि इसमें लगातार आप लोग मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो हमने अक्सर वीडियोस के अंदर शाहजेब भाई के बारे में सुना था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो इस बात का यकीन हुआ हमें आज उनसे मुलाकात करके, क्योंकि हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हम लोग उनके पास आ रहे हैं। तो हमारी शाहजेब भाई के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें भी इस फील्ड में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो हमारे सब्सक्राइबर से शाहजेब भाई कुछ हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? अच्छा, ये भाई हैं अपने, इनका यूट्यूब चैनल है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है जाके इनका चैनल विज़िट करें और उसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। ठीक है शाहजेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी खिज़र भाई से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शाहजेब भाई मौजूद थे, उनसे मुलाकात हो चुकी है। ये है जी उनका डेरा जहाँ पे वो रहते हैं, और ये चेक कर सकते हैं आप उनकी गाड़ियाँ जिन पे वो अक्सर वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब उनकी गाड़ियाँ हैं जो उन्होंने मेहनत करके ली हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसी गाड़ी मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग निकलते हैं अपने वापसी के सफ़र के लिए, शाम हो रही है और सफ़र भी काफ़ी है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे अपनी वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।